तो एक सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट ही है, इसके अंदर आपको कोई भी स्पीकर और नहीं मिलते। इसकी जो ऑडियो है मोस्टली यहीं से आती है, इसके जो बड्स से आती है, इसकी जो लुक है या फिर जो क्वालिटी है 10/10 है मेरी तरफ से। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेक रूटी वी। एंड यहाँ पर मेरे पास एक बोट का एयरफोन है जो कि है बोट्स एयरडॉप्स 161, एंड इसको मैंने अमेजोन से परचेस किया है। एंड इसकी जो भी मतलब सेल वगैरह है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मतलब जो सेल वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक आउट बहुत जल्दी हो जाता है ये अमेजोन से भी, एंड आपको बोट के वेबसाइट पर भी नहीं मिलेगा। एंड स्पेशली इसका जो वाइट कलर है बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, कि उसका जो जो लुक है थोड़ा रिजेंबल करता है एयरपॉड्स प्रो से, तो जिसकी वजह से जो डिमांड वगैरह है बहुत ज़्यादा है एंड उतनी सी सप्लाई नहीं है। तो कुछ इस तरह हमें सब बॉक्स मिलता है एंड बॉक्स देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पर आपको देखिए एक पतली सी रैप मिलती है प्लास्टिक की, तो कुछ इस तरह हमें सब बॉक्स मिलता है। एंड यहाँ पर आपको देखिए फ्रंट में आपको मिलता है बोट एयरडोस 161, ASAP चार्जिंग है एंड IEEE टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। एंड इसका जो ड्राइवर वगैरह है 10 mm का है। एंड यहाँ पर देखिए वन टच का आपको वॉइस असिस्टेंट वगैरह मिलता है। एंड इसको मिलता है टोटल 17 आवर्स का प्लेबैक। एंड यहाँ पर आपको मिलता है आपको IPX5 का रेटिंग। एंड जो है सब ब्लूटूथ वगैरह है 5.1 है। एंड यहाँ पर आपको देखिए एक मैंशन किया गया है 10 मिनट की चार्जिंग, सब इसको 3 आवर्स तक इसमें सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको मिलता है टच रिस्पॉन्स एंड इसका आपके साथ फोटो वगैरह है। तो चलिए पहले इसको ओपन करते हैं एंड फिर देखते हैं हमारा इसमें प्रोडक्ट कैसा है। तो यहाँ पर आपको कुछ इसके जो कार्ड वगैरह मिलते हैं, तो इसको अभी रखते हैं हम साइड में। एंड वाओ, यहाँ पर इसकी जो कलर वगैरह है या फिर इसकी जो क्वालिटी है वाओ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है ये। एंड इसकी जो क्वालिटी है मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही हाई है एंड काफ़ी एक एयरपॉड वाला फील दे रहा है, सेम टू सेम उसके ऐसा ही है। एंड बात करें इसमें एक्स्ट्रा वगैरह की, तो यहाँ पर आपको देखिए एक टाइप सी का पोर्ट मिलता है, केबल है टाइप सी। एंड ये है इसका मैनुअल, इसको कैसे यूज़ करना है, इसे टच सेंसर वगैरह, तो अभी के लिए हम रखते हैं साइड में। एंड इसके अंदर आपको मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा बड्स, तो इसके अंदर आपको मिलते हैं दो पेयर के एक्स्ट्रा बड्स, स्मॉल साइज़ एंड लार्ज साइज़। एंड बात करें इसे ओवरऑल फॉर्म फैक्टर की, तो इसकी जो साइज़ है काफ़ी छोटी, यहाँ पर आप मेरे फिंगर से इसको आइडिया मिल जाएगा, इसकी जो साइज़ है काफ़ी छोटी एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट है। एंड ये स्लिम ट्रिम भी है। एंड इसके अंदर आपको मिलती है 300 mAh की बैटरी एंड इसको आप उसको चार्ज करने में अराउंड लगेंगे 1.5 to 2 hours। एंड बात करें इसे बड्स की, तो बड्स के अंदर आपको मिलती है 40 mAh की बैटरी इच में, मतलब 40 mAh एंड 40 mAh इसमें भी, एंड आराम से 5 to 6 hours चल जाता है 60% वॉल्यूम पे। तो मैं काफ़ी इंप्रेस उसकी जो क्वालिटी से, एंड इसका जो फ्लैप है काफ़ी सेटिस्फाइंग इसको क्लोज करना कुछ इस तरह का। एंड यहाँ पर देखिए प्लेन वाइट मिलता है, सेम एक एयरपोर्ट का आपको डिज़ाइन मिलता है सेम टू सेम। एंड यहाँ पर आपको देखिए टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलता है। एंड यहाँ पर आपको देखिए वाइट लाइट मिलेगी ब्लिंक करती हुई, ये देखिए यहाँ पर एक वाइट लाइट मिलती है। तो इसका केस है एंड जब इसको ओपन करेंगे यहाँ पर आपको देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे मॉडल नेम है वो है बोट एयरडॉप्स 161 मेड इन चाइना। एंड यहाँ पर उसका जो इनपुट रेटिंग है वो 5 वोल्ट 500 mA एंड इसका जो आउटपुट वोल्ट है वो 5 वोल्ट 240 mA। एंड इसके चार्जिंग कॉन्टेक्ट है दोनों ही। एंड आपके कुछ एयर जो एयर ट्यूब्स हैं यहाँ पर कुछ इस तरह रेस्ट करेंगे, ये देखिए। एंड ये काफ़ी परफेक्टली फिट हो जाते हैं, यहाँ पर आपको एक मैग्नेट मिलता है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर सिंपली प्लेस करना है एंड ये अपनी जो प्लेस पर बहुत ही अच्छे से होल्ड हो जाएगा, ये देखिए। इसके जो मैग्नेट्स वगैरह है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड ओवरऑल सो आप जो क्लोज़ करेंगे यहाँ पर आपको देखिए क्लोजिंग की बहुत ही अच्छी नॉइज़ आती है, ये देखिए ये देखिए। तो इसकी जो क्लोजिंग की नॉइज़ वगैरह काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर फ्रंट बोर्ड की ब्रांडिंग मिलती है। एंड बात करें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वगैरह की, तो यहाँ पर मिलता है ब्लूटूथ 5.1 एंड इससे आपको IEEE टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से आपका जो लिड ओपन करते ही पेयरिंग हो जाता है, आपको जो भी डिवाइस वगैरह से पेयर रहेगा पहले, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। जैसे आप इसका लिड ओपन करके आप जैसे इसको रिमूव करेंगे तो आपके डिवाइस से ऑटोमेटिकली पेयर हो जाता है। मैं आपको भी डेमो करके दिखाऊंगा कैसे हुआ करता है वो। एंड यहाँ पर आपको मिलता है IPX5 की रेटिंग, तो ये स्वेट वगैरह से रेजिस्टेंस है, मतलब जिम वगैरह में भी इसकी यूज़ कर सकते हैं। एंड ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी प्रीमियम है। एंड तो चलिए मैं इसको अपने एक बार अपने फ़ोन में पेयर करके फिर आपको दिखाता हूँ ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी वगैरह है। एंड ड्राइवर वगैरह इसमें आपको मिलता है 10 mm का। एंड यहाँ से मैं इसकी जो लिड को ओपन करता हूँ कुछ इस तरह, एंड यहाँ से मैं एक बड को रिमूव करता हूँ सिंगल को, ये देखिए। तो यहाँ से मैंने इसको बड को रिमूव किया एंड ये देखिए ऑटोमेटिक पेयर होगा, कितना कन्वीनियंट है, बहुत ही कन्वीनियंट है। आपको एक सेम एप्पल स्टाइल में मिलता है, तो मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा फ़ोन है एंड यहाँ पर देखिए फर्स्ट और जो डिवाइस है पेयरिंग पे, तो इसको मैं इसे केस में करता हूँ पुट एंड मैंने केस किया क्लोज,
यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर बड रहेगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। तो जो मेरा बड यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया, एंड जैसे मैं इसे केस को ओपन करता हूँ, कुछ इस तरह मैंने इसे केस को ओपन किया, एंड यहाँ से मैंने एक बड को रिमूव किया, ये देखिए मैंने एक बड को बाहर निकाला, एंड ये ऑटोमेटिक पेयर हो जाएगा, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट लगा मुझे ये। एंड इसमें आपको 1-2 सेकंड लगता है, एंड ये जो मेरा फ़ोन है काफ़ी पुराना है तो कभी कभी इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है पेयरिंग वगैरह होने में, बट ओवरऑल अगर बस कोई मतलब लेटेस्ट स्मार्टफोन है तो बहुत ही जल्दी पेयर हो जाता है। ये देखिए ये मेरा जो फ़ोन ही है Y91 बहुत ही स्लो है, 2G RAM वाला फ़ोन है ये। तो अगर बस कोई लेटेस्ट फ़ोन, जैसे कि मैंने इसको अपने फ़ोन में ट्राई किया, एंड बहुत ही कन्वीनियंट एंड बहुत ही स्मूथली पेयर हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको रेड लाइट मिलती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए तो यहाँ पर आपको रेड कलर लाइट मिलती है जब ये चार्जिंग पे रहेगा। अगर इसका जो पेयरिंग वगैरह से कोई आपको इशू वगैरह आता है तो यहाँ पर आपको देखिए FAQ कार्ड मिलता है, तो यहाँ पर जाके इसको जो भी इसको जो सॉल्यूशन है सब बहुत इजीली मिल जाएगा, पेयरिंग नहीं हो रहा या फिर एयरबड में कोई इशू है, साउंड क्वालिटी में कोई भी इशू हो रहा है। तो काफ़ी यूज़फुल लगा कि बोट ने एक मतलब क्लीनिंग का जो इसका प्रोसेस वगैरह है यहाँ पर आपको पहले ही दे दिया है। तो इसकी जो फिटिंग वगैरह है काफ़ी परफेक्ट है, ईयर्स में बहुत ही अच्छे से इंसुलेट करता है, एंड आप इसको जब नॉर्मली वेयर करेंगे मतलब सॉन्ग्स वगैरह नहीं सुनेंगे तो इसकी जो बाहर की बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, एंड अगर आप इसे सॉन्ग्स वगैरह सुनेंगे अराउंड 60-65% वॉल्यूम पे तो जो इसकी ओवरऑल जो सराउंडिंग की नॉइज़ है बहुत ही कम आती है, एंड बहुत ही अच्छे से इंसुलेट करता है ये। एंड बात करें इसके जो भी ऑडियो क्वालिटी वगैरह की, इसके जो वोकल्स वगैरह की, तो इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है मतलब बेसी टाइप में है, इसके ट्रिबल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, एंड इसको मैंने फुल वॉल्यूम पे भी सुना तो इसमें तरह मतलब कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है, एंड इसमें आपको मिलता है 10 mm का ड्राइवर, तो जिसकी वजह से इसकी जो ऑडियो क्वालिटी वगैरह है काफ़ी अच्छी है। इसमें तरह को मिड्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, मतलब इसके जो मिड्स उतने अच्छे नहीं, उतने क्लियर नहीं है, बट इसके जो बेस है या फिर थम्पिंग वगैरह है काफ़ी अच्छा लगा। एंड मेन बात इसमें जो फिट है आपके ईयर्स में, आप जिसको वेयर करेंगे तो बहुत ही एक अच्छी लुक आती है इसको देखने के बाद। एंड बात करें इसे कॉल क्वालिटी वगैरह की, तो इसमें मैंने कॉल भी अटेंड किए हैं, एंड मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आप इसको एक सिंगल भी पीस यूज़ करना चाहते हैं, मतलब समझ लीजिए कि मैंने इसको अपने फ़ोन से पेयर कर दिया दोनों को, एंड अगर एक की चार्जिंग कम है या फिर मैं एक एक टाइम पे एक ही को यूज़ करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इसको इसके जो बॉक्स में इसको रख दूंगा इसे केस में, तो मैं इस एक सिंगल पीस को इंडिविजुअल की तरह यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं इस सिंगल से ही अपने कॉल वगैरह अटेंड कर सकता हूँ। ये इसके चार्ज होता रहेगा बॉक्स के अंदर, एंड ये मेरे मतलब फ़ोन से पेयर है तो इसके अंदर मैं कॉल से बात भी करते रहूँगा, एंड ये सेकेंडली चार्ज होता रहेगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस यूज़ करते हैं तो। एंड सेम इसके साथ भी है, मतलब मैं अगर यहाँ के जो राइट वाले को इसको मैं रख देता हूँ केस में, एंड ये लेफ्ट वाला अगर पेयरिंग पे है तो मैं एक सिंगल मतलब दोनों को ही आप इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं कॉलिंग वगैरह के लिए, एंड कॉलिंग वगैरह की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है नॉर्मल ऐसे कंडीशन में, आपको इसमें कोई भी मतलब ज़्यादा नॉइज़ वगैरह नहीं आती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ी इन्वायरमेंट में हैं तो आपको हल्का सा बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा, बाकी आप नॉर्मल अगर एक रूम वगैरह में यूज़ करते हैं फिर नॉर्मल मतलब ज़्यादा जहाँ ज़्यादा आवाज़ नहीं है, ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी आती है, सामने लोगों को काफ़ी अच्छी जाती है। एंड बात करें यहाँ पर आपको टच सेंसर मिलता है, तो दोनों में ही आपको टच सेंसर मिलता है यहाँ पर, एंड आपको इसको यूज़ कैसे करना है, अगर आप इसको अगर आप सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं, अगर आप सिंगल टैप करेंगे तो प्ले एंड पॉज है, दोनों से आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, एंड अगर आपको कॉल वगैरह मतलब आपको कॉल वगैरह आई तो आपको यहाँ पर सिंगल टैप करना है एंड आपका जो कॉल है पिक हो जाएगा, एंड आपको डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको डबल टैप करना पड़ेगा, दोनों में ही सेम सेंसर है एंड सेम टाइप के दोनों में फीडबैक है। एंड इसे तो आपको ट्रैक वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ पर जैसे कि ये मेरे पास राइट है, यहाँ पर मैं डबल टैप करूँगा तो एक सॉन्ग फॉरवर्ड हो जाएगा, एंड यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट से दो टाइप करूँगा तो एक सॉन्ग है जो मतलब रिवर्स हो जाएगा, प्रीवियस सॉन्ग्स प्ले हो जाएगा। एंड आपको कॉल वगैरह डिस्कनेक्ट करना है तो आपको अगर आपको कॉल आ रहा है तो आप इसको सब प्रेस करके होल्ड कर रखेंगे तो आपका जो कॉल है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। एंड इसका जो डिमांड वगैरह है बहुत ही ज़्यादा है, एंड काफ़ी वेबसाइट आपको 1300, 1400, 1500, 2000 तक भी मिल रहा है डिफरेंट वेबसाइट वगैरह पर, तो आप उतने का परचेस नहीं करिएगा। इसकी जो प्राइसिंग है अराउंड 1300 rupees अमेजोन पे भी है एंड सेम बोट पे भी है। इसकी जो अर्लियर प्राइस थी 999 थी, एंड सेल वगैरह में आपको ये 999 में मिल जाएगा, बट इसकी जो डिमांड्स बहुत ही ज़्यादा है तो इसकी जो प्राइसिंग यहाँ पर इनकी इंक्रीज़ हो गई है। एंड ये जो वाइट कलर है बहुत ही मतलब रेयर है, मतलब ये बहुत ही डिमांड में है, तो आपको आप लकी हैं तो ही आपको वाइट कलर मिलेगा। एंड इसमें आपको दो कलर ऑप्शन और मिलता है, एक ब्लू है एंड ब्लैक, बट जो वाइट है सबसे ज़्यादा डिमांड में है। एंड बात करें मेरे ओवरऑल प्रिडिक्शन की एंड मेरे ओवरऑल रिव्यू की, तो आपकी आपका जो बड़े अराउंड 1500 rupees के आपको एक अच्छे एयरबड्स चाहिए तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है मतलब प्राइस वाइज ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नहीं है बट प्राइस वाइज ठीक है इसी ऑडियो क्वालिटी वगैरह, बट इसका लुक से बहुत ही प्रीमियम दिखता है। ओवरऑल इसी जो केसी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, एंड आप लकी हो तो आप इसे जो केसा कवर आपको मिल जाएगा तो जिसकी वजह से इसमें जो वाइट कलर है तो यहाँ पर जो स्क्रेच वगैरह आते हैं तो आप इसको केस लगा देंगे तो इसके जो स्क्रेच वगैरह नहीं आएंगे।
एंड अगर आपको इसको परचेस करने से जो बेस्ट बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। एंड मैं होप करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो हेल्पफुल लगी रहेगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें, एंड ऐसे ही कंटेंट फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड। एंड बात रही थी फिट की, जो कि इसका फिटिंग है बर्ड्स की, काफ़ी परफेक्टली फिट हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको देखिए जो ब्लैक कलर का आपको जो डिज़ाइन एलिमेंट दिखता है, तो एक सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट ही है, इसके अंदर आपको कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं मिलते। इसकी जो ऑडियो है मोस्टली यहीं से आती है, इसके जो बड्स से आती है।